खबर पाली से। पाली में जालौर एसीबी द्वारा कार्यवाही करते हुए पाली के हल्का पटवारी संख्या 2 कमल किशोर व उसके दलाल को 31,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी जालौर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत ने बताया कि हल्का का पटवारी कमल किशोर दर्जी व दलाल चीकू राम सासी एक परिवादी से 50,000 की मांग की गई थी, जिस पर 31,000 लेते हुए रंगे हाथों आज गिरफ्तार किया गया है। वो एक रिटायर्ड शिक्षक है, 83 वर्षीय बुजुर्ग श्री जयराम जी चौधरी उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि साहब मेरा जमीन में रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण था, मेरे पिताजी के नाम के आगे चौधरी की बजाय घासी लिख दिया, तो उन्होंने एसडीएम कोर्ट में इसकी दावा करके इसको सही करवाया, उसकी एंट्री करके उनको नया रिकॉर्ड चाहिए था। तो रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के जब ये पटवारी श्री कमल किशोर से मिले, पाली शहर के जो पटवारी हैं, तो इन्होंने उनसे 50,000 की डिमांड की। और कमल किशोर बहुत चालाक और शातिर किस्म का आदमी है, इसने मुंह से तो बोलता है नहीं नहीं, और उस पर लिख के कागज पे और कैलकुलेटर पे उसने बताया ये। और ये क्या करता है कि जब भी वेरिफिकेशन पहले भी प्रयास किए गए थे, और ये भी जो भी आदमी इसका खड़ा है, एक दो बिचौलिया रखता है, उसको साथ भेज के पैसे दे के रवाना कर देता है तुरंत। संपूर्ण हालात हमने पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज जोधपुर एसीबी श्री बिश्नोई साहब को निवेदन किए गए, तो श्रीमान बिश्नोई साहब ने हमको इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश दिए और बताया कि इसकी चालाकी है, कहीं पैसे लेके इधर उधर नहीं हो जाए, अच्छी तरह से टीम को चारों तरफ डिप्लॉयमेंट करना,